सर आपने ट्वीट किया है छोटा रिचार्ज और क्या क्या बातें बोली हैं, किसके लिए बोला है आपने? मैंने जब ये मैंने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ये तय की है कि हर ट्यूसडे को वो सुरेंद्र कांत किताब पढ़वाएंगे, हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, तो उस पर मैंने ये किया है कि भाई आप लोग बीजेपी से क्या डिफरेंट है, आप में बीजेपी आरएस में कोई फर्क नहीं है। आप इनका हिपोक्रेसी देखिए कि कोई कह रहा है कि मैं सरयू नदी में चले जाऊंगा, कोई कह रहा है कि राष्ट्रपति को नासिक आया जाए, कोई कह रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा शिक्षा सेंटर में और जहां पर अस्पताल में पढ़ाया जाएगा। तो आप तो नरेंद्र मोदी की राह पर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं आप वही करना चाह रहे हैं, तो आप में बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क रहा है? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट को कैसे हासिल किया जाए, उसका कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व हो रहा है। और मैं इस देश के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग देखिए ये जो खेल हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, बताइए। कॉम्पिटिटिव हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को अपनाया जा रहा है। अगर अभी भी इस देश के सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई और मुसलमान जो इसको नोटिस नहीं लेंगे तो फिर नुकसान किसका होगा? भाई आपको शिकायत मुझसे होगी, बताइए इस पर क्या बोलेंगे आप? ये जो सब तमाशे किए जा रहे हैं ये क्या है? फिर बोलिए सरयू नदी को जाएंगे, कोई बोला कि नासिक को आया जाए, कोई कह रहा जा रहा है कि ये पाठ पढ़ाया जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा स्कूल।